इस वक्त अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत किसी के भरोसे दम भर रहा है तो वह चीन है, जबकि दूसरा कोई देश उसके पिछवाड़े पर गुलदस्ता लिए खड़ा है तो वह तुर्की है। बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 370 को लेकर चीन द्वारा पाक का साथ देने की चर्चाएं तो बहुत चली, मगर तुर्की के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। जबकि स्थिति यह है कि चीन के बाद तुर्की ही ऐसा दूसरा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। सवाल यह है कि तुर्की के उगते पंखों को कुतरने के लिए भारत का कूटनीतिक प्रोग्राम तुर्की पर क्यों नहीं चल पाया? फिर यदि भारत की कूटनीतिक बिसात में तुर्की नहीं फंसा था तो उसकी अकल पर से चांद का लेबल हटाने के लिए भारत ने कौन से दांव चले? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन संयुक्त राष्ट्र में बेशक खुले तौर पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में कुलाचे भर रहे थे, परंतु भारत इस देश के सिराने पर चुपचाप अपना शिकंजा कस रहा था। किसी भी देश की घेराबंदी करने के लिए उसके पड़ोसी देशों को अपना बनाने का पासा फेंकना पड़ता है, यह कूटनीति का पहला नियम है। भारत ने तुर्की पर लगाम लगाने के लिए अब यही कदम उठाया है। तुर्की के धुर विरोधी पड़ोसी देश व दमदार प्रतिद्वंदी साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा है। भारत ने ऐसा करके पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की को भारत ने कूटनीतिक तरीके से करारा जवाब दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासीद से मुलाकात की थी। इस देश ने स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और साइप्रस गणराज्य की एकता के लिए भारत का लगातार समर्थन किया है। भारत का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1974 में तुर्की के आक्रमण में पूर्वी भूमध्य सागरीय द्वीप विभाजित हो गया था, जिसमें अंकारा ने इसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर रखा है। तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी TRNC की स्थापना की है, जिसमें इन दोनों पक्षों के बीच एक लंबे सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई। TRNC को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है और इसके तुर्की के साथ महज राजनयिक संबंध है। एर्दोगन ने उत्तरी साइप्रस में तैनात 30,000 से अधिक सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मोदी ने बीते शुक्रवार को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने अपने आर्मेनिया समकक्ष निकोल पाशिन्यान से भी भेंट की। इस देश की सीमा तुर्की के साथ लगती है और दोनों देशों के बीच भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। आर्मेनिया के लोग 1915 में तुर्की साम्राज्य द्वारा लाखों नागरिकों को गंवाने का दर्द अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तुर्की के साथ तीनों देशों की गहरी दुश्मनी के मद्देनजर इन नेताओं के साथ मोदी की बैठकों का काफी महत्व है। यह अंकारा का इस्लामाबाद का साथ देते हुए भारत के खिलाफ होने की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल तुर्की जिस प्रकार भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगंडा में सहभागी रहा है, उसके लिए भारत द्वारा उसकी घेराबंदी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग से लेकर अन्य सामग्री भी तुर्की पाकिस्तान को उपलब्ध कराता रहा है। बड़ी बात यह है कि एर्दोगन भी एक तानाशाह शासक के रूप में जाने जाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन जैसी स्थिति इस मुल्क में भी उत्पन्न होती रही है। इस देश के साथ भारत के संबंध ऐसे नहीं रहे जिनसे ज्यादा उत्साहित हुआ जाए। यह इस्लामिक देश पाकिस्तान को अधिक महत्व देता है। वर्ष 2018 में भारत और तुर्की के बीच $6.5 अरब का व्यापार हुआ है, जो दोनों देशों की आबादी और अर्थव्यवस्था को देखते हुए काफी कम है। एर्दोगन की छवि भी लोकतांत्रिक नेता की नहीं है। वे 2003 से 2014 तक वहां के प्रधानमंत्री रहे और बाद में संविधान में परिवर्तन कराकर तुर्की में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया और आज राष्ट्रपति बने बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि एर्दोगन जैसा व्यक्ति जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है, वह भारत का मित्र नहीं हो सकता है। एर्दोगन तो खुद पाकिस्तानी शासन के एक प्रतीक के समान है, जहां खुद लोकतंत्र घुट घुट कर सांसें ले रहा है। अब भारत द्वारा इस देश को दूसरे तरीके से घेरने के लिए बड़ी बिसातें बिछाई जा रही है, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त है वाली कूटनीति को आगे बढ़ाया गया है। आने वाले वक्त में तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया जैसे पड़ोसी देशों को भारत रक्षा सामग्री और अन्य कूटनीतिक मदद भी देने जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे की रूपरेखा भी बनाई जा रही है, यानी हजारों किलोमीटर दूर रहकर जब तुर्की जैसा देश एशिया के इस हिस्से में अपनी टांगे फैला सकता है तो भारत के पास भी इसके लिए बहुत से विकल्प हैं।
यूं भी इस वक्त अमेरिका और तुर्की के संबंध S-400 की डील को लेकर निचले स्तर पर हैं। ऐसे में भारत का तुर्की के पड़ोस में घुसना एर्दोगन के माथे पर तो शिकन लाएगा ही, बात बात में तुर्की राग गाने वाले पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लगाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।